everyone, welcome to the class. So let me see either we are live or not, and just a minute. So hi everyone, welcome to the class. So I welcome you all to Unacademy ACO school with Unacademy Plus, right? So I can see that यहाँ पे लाइव अभी शुरू नहीं हुआ है. कैन यू सी मी? जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो नाउ आई कैन सी माई सेल्फ. यहाँ पे मुझे लाइव दिख रहा है, पहले मुझे लाइव दिख नहीं रहा था. ओके, सो आई कैन सी माई सेल्फ. हेलो एवरीवन, हाय नेहा, हाय शिवम, हेलो हेलो, हाय, गुड इवनिंग ऑल गाइस. ओके ठीक है, मुझे भी दिखना शुरू हो चुका है. एंड वेलकम टू द क्लास. तो आज जो है हमारी क्लास नाइन्थ है, राइट? आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास नाइन्थ का जो हमारा फोर्स एंड मोशन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट टू एक्सरसाइज का, राइट? अब इसके बाद जो है आपका ये चैप्टर एकदम से खत्म हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. ठीक है, क्लास नाइन्थ फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे, ग्रेविटेशन, राइट? वो नया चैप्टर रहेगा आफ्टर दैट. बट आज जो है हम अपने एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं. सो आई वेलकम यू ऑल टू ACO स्कूल विद अनअकैडमी प्लस, जहाँ पे आपको मिल रहा है 10% ऑफ, राइट? एंड अगर आप मुझे नहीं जानते अबाउट योर एजुकेटर, सो माई नेम इज़ मनीषा मरवाहा. आई एम योर मेंटोर, एजुकेटर एंड अ यूट्यूबर, एंड दिस इज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. एंड हियर आई विल टेल यू अबाउट बग्स बाउंटी. एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो आपको वीडियो में लगता है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप उसको रिपोर्ट करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ प्राइस मिला जाएगा. रिपोर्ट करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिल जाता है, राइट? तो आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स. हेलो महक, हाय सुमित, हाय नेहा, राइट? आज क्या होगा नेहा? तो आज की जो क्लास है हमारी क्लास नाइन्थ वालों के लिए है, और जिसमें आज हम करने लगे हैं अगले क्वेश्चन. लास्ट क्लास में मैंने क्लास नाइन्थ का आपको करवाया था, 10 क्वेश्चंस तक मैंने करवा दिए थे. NCERT की बैक एक्सरसाइज चल रही है, तो आज जो है हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 ख़त्म करेंगे, और फिर इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है वो भी पूरा का पूरा ख़त्म होने वाला है. ओके, हेलो शीतल. सो आई कैन सी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम है, बट चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम शुरू करते हैं. जैसे जैसे जिस जिसको पढ़ना होगा वो क्लास में आ जाएंगे धीरे धीरे, एंड वी विल स्टार्ट आवर स्टडिंग, राइट? तो जब मैं क्लास टेंथ की क्लास लेती हूँ वहाँ पे तो भर भर के बच्चे आते हैं, और उनको तो मेंटी की पढ़ रखी है. आपका भी मैं मेंटी ज़रूर करवाऊँगी. टेल मी, डू यू वॉन्ट टू हैव मेंटी? आपके लिए भी मेंटी ज़रूर अरेंज करेंगे. चलो आज की क्लास शुरू करते हैं. तो हमारा जो पहला वाला क्या कहते हैं टॉपिक है, पहला वाला क्वेश्चन देखो, इंटरेक्टिव वे से करेंगे. आप लोग भी जवाब देते चलना अपने क्वेश्चंस का, और मैं भी आपको जो है साथ साथ में करवाती चलूंगी. तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हर का मास कितना है, हर ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1.5 kg. आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं इधर लाइक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, इधर एक ऑब्जेक्ट है इधर ऑब्जेक्ट टू है, बट दोनों की जो मास भी है वो भी सेम है. मास कितना देखा है 1.5 kg, लेकिन दोनों किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है. कितनी है 2.5, इसकी भी 2.5 होगी और इसकी भी वेलोसिटी 2.5 है. लेकिन यहाँ पे अगर आपको बात याद रखनी है कि किस में है, ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक की जो वेलोसिटी होगी वो किस में होगी, नेगेटिव में, बिफोर कोलिजन. मतलब कि जो जो वेलोसिटी दे रखी है हमको कोलिजन से पहले दे रखी है, टक्कर मारने से पहले, तो ये जो वेलोसिटीज होंगी ये हमारे पास यू होंगी. ओके, इनिशियल वेलोसिटी विच दे एंड बिफोर कोलिजन विच दे स्टिक टुगेदर. ठीक है, और कहा गया है जब ये कोलाइड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे. वट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कम्बाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर कर लेंगे तो एक इकट्ठे जब ये मूव करेंगे तब इनकी वेलोसिटी क्या होगी. इकट्ठे मूव करेंगे का क्या मतलब, अब जो दोनों की जो वेलोसिटी है वो v1 v2 नहीं रहेगी, वो क्या इक्वल होगी, v1 v2 इज इक्वल टू v. दोनों की वेलोसिटी को क्या मान लिया गया है, v, क्योंकि ये बाद में क्या कहा है, वो इकट्ठे होकर चल रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से चलेंगे. ओके ठीक है, चलो अब
जो है हम इसमें जो जो भी चीज़ें हमको गिवन दे रखी हैं हम उनको करने लगे हैं। ये मैंने आपको डायग्राम समझा दिया, ठीक है। अब हम जो है इसको क्वेश्चन में जो जो भी चीज़ें हमको गिवन दे रखा है उसको हम लिखेंगे एंड वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम जो है ऑब्जेक्ट वन के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। लेट से ऑब्जेक्ट वन, देन वी विल राइट अबाउट ऑब्जेक्ट टू, ओके, ओ वन एंड ओ टू, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हमको दे रखा है, मास दे रखा है, आपको कितना मास बताया है, डेट इज 1.5 kg, जो कि दोनों का सेम है, ठीक है। एम टू इज ऑल्सो 1.5 kg। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हम 2 यूज़ करेंगे, फर्स्ट के लिए हम 1 यूज़ करेंगे। यू वन हमको जो बताई है वेलोसिटी कितनी मूव कर रहे हैं, 2.5 meter per second, और सेम वेलोसिटी दोनों की सेम है, बट मैंने आपको बताया था ना दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस में, देन यू टू विल बी -2.5 meter per second, ओके, राइट। अब देखो आगे, अब हमारे पास आता है वी वन, तो वी वन मैंने आपको बताया वी वन वी टू किसकी इक्वल हो जाएंगे, ओके, सीधा वी के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जो बाद में दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन के मूव करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसका आंसर पहले निकाल लेते हो तो आप लोग पहले निकालना। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, लाइक होगा क्या, फॉर्मूला क्या होगा। तो बेसिकली आपको कंडीशन समझ लग गई है ना, कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दोनों एक वेलोसिटी से आ रहे हैं, ओपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करने के बाद बताना है कि उनकी जो वेलोसिटी है क्या होगी, ओके। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो जो जब हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू प्लस इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। सिंपल सा फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज आपके पास है, एम वन है, यू वन है, एम टू है, यू टू है, वी वन है, वी टू है, सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर, ओके। चलो लेट्स पुट द वैल्यू, यहाँ पे क्या है 1.5, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय कितने के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2.5 प्लस यहाँ पे कितना है, फिर से हमारे पास 1.5, लेकिन यू टू कितना है हमारे पास नेगेटिव में, -2.5 इज इक्वल्स टू एम वन कितना है, स्टिल 1.5, एंड वी वन क्या है, वी प्लस, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 1.5 इंटू वी, क्योंकि वी टू कितना है हमारे पास 1, ओके। सॉल्व करो, जब आप 1.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि आप जो है किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 15 को एक तरफ से 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पॉइंट्स को आप हटा दो तो आपके पास क्या बन के आएगा, ये आपके पास बन जाएगा 375, और पॉइंट इसका पॉइंट इसका पॉइंट, मतलब कि टोटल दो पॉइंट्स के बाद लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से जब आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन लगा है, तो नेगेटिव आ जाएगा 3.75, क्योंकि कैलकुलेशन सेम है, और इधर आ जाएगा आपके पास 1.5v प्लस 1.5v। तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी 3v, ठीक है। और ये तो देखो सिंपल सा कट ही जाएगा आपका, ये चीज़ क्या कट जाएगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो इधर हो गया जीरो, और जब आप किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करते हैं इट इज़ लाइक दैट। अब यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, 3v इज इक्वल्स टू जीरो, तो अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो 0/3, तो वो भी जीरो रहेगी। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी क्या आई, मतलब v इज इक्वल्स टू 0 meter per second, बाद में जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं कंबाइंड होके किस वेलोसिटी से चलेंगे, जीरो वेलोसिटी से चलेंगे। और देखो ये सिंपल सी बात है, अगर हम वैसे भी लॉजिकली भी सोचें, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में आगे एक दूसरे से टकरा जाते हैं, उनकी टक्कर होगी, टक्कर के बाद क्या करेंगे, वो रेस्ट पे रुक जाएंगे ना, तो मतलब जो उनकी फाइनल वेलोसिटी अगर आप वैसे भी सोचो तो वो जीरो ही हो जाएगी, ओके। चलो आगे चलें, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, नाउ लेट्स डू द सेकंड वन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या कहता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस, ऑब्जेक्ट क्या हम पे वापस फोर्स लगाता है, विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट वापस हम पे फोर्स लगाता है, और वो फोर्स क्या होती है, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक, अगर क्या कहते ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अगर आप मान लो कि कोई बहुत बड़ा सारा ट्रक है, पार्कड इन द पार्क अलोंग द रोड साइड, किसी रोड पे कोई बहुत बड़ा सारा ट्रक को पार्क करा हुआ है, इट विल प्रॉबेबली नॉट मूव, वो ट्रक मूव नहीं करेगा अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे। ए स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैन नॉट कैंसल ईच अदर, राइट। नहीं नहीं, स्टूडेंट ने क्या कहा है, द टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर, ओके।
तो स्टूडेंट ने रिप्लाई करा है, बेसिकली पहले आपको उन्होंने लॉ बता दिया, फिर यहाँ से उन्होंने एक आपको सिचुएशन दी है कि अगर कोई बहुत बड़ा सारा ट्रक खड़ा है किसी रोड पे, हम अगर उसको धक्का लगाएंगे तो वो जो ट्रक है वो मूव नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको रीज़न बताना है वो ट्रक क्यों नहीं मूव करेगा। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का उन्होंने बताया है कि एक स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है, क्या कह के दिया है कि वो ट्रक इसलिए मूव नहीं करेगा क्योंकि दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है, तो वो जो फोर्सेस क्या है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए ट्रक मूव नहीं करेगा। बेसिकली स्टूडेंट ने ये कहा है, तो आपको बताना है कि जो स्टूडेंट ने वो स्टेटमेंट दी है क्या वो सही है कि नहीं है, क्या वो लॉजिकल है, अगर है नहीं है तो उसके लिए आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है कि जो ट्रक है वो क्यों नहीं मूव करेगा। ओके, क्वेश्चन समझ लग गया आपको, क्वेश्चन समझ लग गया। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या बताया गया है, ट्रक क्यों नहीं मूव करेगा, कोई बहुत बड़ी सी चीज़ है, तो अगर ट्रक है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, ये तो हमको पता है ना, अगर वो रोड पे ट्रक खड़ा है, मैसिव है, वैसे भी आपको कहा है मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आप उसको जाके ऐसे धक्का मारोगे, मतलब आप एक पर्सन अगर उसको जाके धक्का मारेगा तो वो ऑब्वियसली नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि जो ट्रक है एक उसका मास बहुत ज़्यादा है, आपके मास से उसका मास बहुत ज़्यादा, तो आप मूव नहीं कर पाओगे। दूसरा जो ग्राउंड है वो भी क्या है, वो भी उसको फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना कि कोई भी चीज़ कब मूव करती है, जब जो इधर से फोर्स लग रही होगी, जब वो फोर्स ज़्यादा होगी किससे, फ्रिक्शन फोर्स से, तभी वो चीज़ जाके मूव करेगी। अगर हमारी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से कम होगी या फिर फ्रिक्शन की इक्वल होगी तो वो ट्रक मूव नहीं करेगा। तो बेसिकली ट्रक कब मूव करेगा, जब उसकी फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे पहले ये बताओ, जो बच्चे ने आंसर दिया क्या वो सही था, नहीं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो करेक्ट नहीं थी, वो इनकरेक्ट थी। क्यों करेक्ट नहीं थी, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं दो तरह की, तो जो हमारा ट्रक है वो मूव नहीं करेगा, ये बच्चा कह रहा है, ठीक है। बट देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस का है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, सॉरी बैलेंस्ड फोर्स का है कि अगर दोनों तरफ से फोर्स लगेगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो इक्वल फोर्स लगेगी। हमको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमको वो चीज़ को बताना है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको यूज़ करके बता दिया है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, ट्रक को आगे जाना है, तो ट्रक कब आगे जाएगा, जब जो फ्रिक्शन फोर्स है, जब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम होगी किससे, जो फोर्स लग रहा है, मतलब कि जो हमारी नॉर्मल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। जब यहाँ पे 20 बंदे होंगे, ठीक है, एक पर्सन की बजाय जब यहाँ पे 20 बंदे होंगे तब जो हमारा ट्रक क्या है वो मूव कर पाएगा। ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर है क्या है, फोर्स शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। जो बच्चे ने आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज दैट इज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड फोर्स कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए अब नाउ देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो 13th क्वेश्चन इज हियर, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एक कोई हॉकी बॉल है जिसका आपको मास कितना दिया है, 200 ग्राम, राइट, ट्रेवल कर रही है एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो दैट इट कैन रिटर्न इट अलोंग टू द ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे एक हॉकी की बॉल है, ठीक है, उसको हिट करा किसी प्लेयर ने, ठीक है, यहाँ पे अब मान लो एक बच्चा यहाँ पर है और एक बच्चा यहाँ पे, दो बच्चे आपस में खड़े, वो दोनों बॉल खेल रहे हैं, तो एक बच्चे ने उस हॉकी की बॉल को किक करा, ठीक है, जिसका मास कितना है 200 ग्राम, और उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी यू आपको कितना बता रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसने हिट करा, वो बॉल गई इधर, और जब यहाँ पे वो बॉल चली गई तो सेकेंड प्लेयर ने, जो सेकेंड वाला बच्चा है, उसने वापस उस बॉल को हिट करा, बेसिकली दोनों बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, उसने उस बॉल को वापस हिट करा, रिटर्न अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, ताकि जो बॉल जहाँ से आई है उसके पास वापस चले जाए, और तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तब यहाँ पे आपको वेलोसिटी कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो बेसिकली आपको बताना है कि हॉकी स्टिक ने कितना फोर्स अप्लाई करा, एक तो आपको फोर्स पूछा जा रहा है, दूसरा आपको पूछा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में क्या चेंज आया, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पहले ये बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या था। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला पूछूं, मतलब mu माइनस mv, दैट इज इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ओके, यही होता है,
तो बेसिकली हमको ये सारी चीजें निकालनी है। अब ये तो हमको पता लग गया यू, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉल यहाँ पर थी, उस पहले वाले बच्चे ने किक करी बॉल को, बॉल उधर चली गई। अब सेकंड वाले बच्चे ने वापस बॉल को किक करा ताकि बॉल जहाँ से आई थी वो वहां पर वापस चले जाए अपने ओरिजिनल पाथ पे। तो हम ये कह सकते हैं ये वाली क्या होगी, ये हमारी वी वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई। ओके, समझ लगी इतनी बात। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आएगा यू कैन आस्क योर डाउट, ठीक है, मैं आपके बाद में चैट देख लूंगी और आपका जो डाउट पढ़ लूंगी। ओके, चलो ये चीजें हमको समझ लगी। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं गिवन, जो जो भी चीजें हमको गिवन है उसको लिख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो जो चीजें आपको गिवन दे रखी है उसको लिखते चलिए। ओके, यहाँ पे हमको दे रखा है मास, सबसे पहले मास 200 ग्राम, देन आपको वेलोसिटी दे रखी है, यू बताया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन हमको क्या बताया हुआ है, वेलोसिटी वी बता रखी है। अब देखो वी का भी एक केस है जो हमने पहले देखा था, दूसरी वाली वेलोसिटी जो सेकंड प्लेयर है उस बच्चे ने उसको बॉल को वापस किक करा किसके पास, पहले वाले बच्चे के पास। तो बॉल कैसे गई, इस डायरेक्शन में गई ना, पहले इधर डायरेक्शन थी, अब डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, गॉट इट। देन अब हमको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, हमसे क्या पूछा गया है, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है। तो देखो सिंपल सा आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया है, क्या बताया है, एम यू माइनस एम वी। देखो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है जो हमारी ये मास की यूनिट है, जो हमारी ये मास की यूनिट है ये हमको क्या दे रखी है, ग्राम। हमको किस में जाना है, स्टैंडर्ड यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, केजी। तो केजी में जाने के लिए क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर लो किससे, 1000 से, ताकि वो केजी बन जाए, और ये दो जीरोस कट जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.2 केजी। ओके, मास कितना आया हमारे पास, 0.2 केजी। समझ लगी इतनी बात। चलो अब आ जाओ वापस फॉर्मूला लगाने पे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी गड़बड़ लिख दी मैंने थोड़ी सी, ठीक है, क्या गड़बड़ लिख दी, ये होता है हमारा एम वी, राइट, चेंज, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, इसी तरह से फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है, इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, गॉट इट। चलो सो यहाँ पे हमारे पास मास कितना है, 0.2, ओके 0.2 लिख लेते हैं, वी कितना है, माइनस 5, माइनस एम कितना है, अगेन 0.2, यू कितना है, ये रहा हमारे पास 10। ये सारी चीजों को लिख लो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, सिंपल सा है, यहाँ पे पॉइंट खोल दो, 2/10 हो जाएगा एंड माइनस 5 रहेगा, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी हमारी, 2 है 10 है, तो देखो सिंपल सा आपके पास गया 10 पे, ये गया आपके पास, पॉइंट गया इसका पास आपका, ठीक है, ये गया आपके पास 1 के टेबल पे, ये गया 2 पे, ये गया 1 पे, ठीक है, पूरा कट जाएगा क्योंकि ये देखो 1 पे चला गया। देन इधर क्या है, माइनस का माइनस रहेगा साइन, एंड इधर क्या है आपके पास, 0.2 अपॉन 10, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 आ गया अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ से भी कट गया, तो ये क्या रह गया, ओनली 2। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या बना, माइनस 1, दिस साइड आपके पास बना माइनस 1, और इधर आपका रह गया ओनली माइनस 2। ओके, तो इस चीज को जब आप लिखोगे माइनस 1 माइनस 2 यू विल गेट माइनस 3, ठीक है, और क्या हमने निकाला है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मोमेंटम का फॉर्मूला ये भी हमने लिखा है, मास इनटू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी में, वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, केजी मीटर पर सेकेंड। समझ लगी इतनी बात, आप लोग क्या कह रहे हो, नो डाउट, ओके नो डाउट, यस मैम, आई हेट यू दी, आप कोई भी रिप्लाई नहीं करते, आप अब आप टीचर बन गए हो ना पहले, ओके ऐसा कुछ भी नहीं है चित्रा, एक्चुअली जब मैं पढ़ा रही होती ना, जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रही होती, तो तब मैं आपका कोई भी लाइक चैट नहीं देखती, ठीक है, तो जब मैं करवा देती हूँ आपको क्वेश्चन, देन आई विल श्योरली सी योर चैट। ओके, चलो नीचे अल्पनास लिख रही है, बाकियों को पढ़ने दो प्लीज, चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो है हम अगला क्वेश्चन करने लगे हैं, लुक हियर, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं।
अगले क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, ए बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10, लेट मी सी ये क्या लिख रखा है मैंने, 10p, ओके सो इट इज 10g, पी नहीं है 10g है, 10 ग्राम, ठीक है। एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बुलेट है जिसकी हमको मास बता रखा है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रही है, एक वेलोसिटी उसकी दे रखी है, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन बॉक्स, वो किस में जाके लगती है, सीधा एक वुडन का बॉक्स है उसमें जाके हिट करती है, कम्स एट रेस्ट इन, और रेस्ट पे आती है, मतलब एक बुलेट है जो अपनी स्पीड से जा रही है और सीधा जाके एक बॉक्स में लगती है, और रेस्ट पे आने के लिए उसको इतना टाइम लगता है, और हमको क्या दे रखा है, मतलब रेस्ट पे आ गई, तो यहाँ से हमको इतना पता लग गया जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो, जो पहले वाली वेलोसिटी दे रखी है वो हमको यू दे रखी है, ठीक है। देन आपको क्या देखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द बॉक्स, तो आपको क्या बताना है कि जो बॉक्स के अंदर जाने में, मतलब मान लो बुलेट ऐसे आके हिट करी बॉक्स में, तो अंदर जाने में डिस्टेंस उतने कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा उस बॉक्स के अंदर जाने में। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आपको क्या कहा है, और फोर्स भी आपको कैलकुलेट करनी है, आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, एग्जर्टेड बाय द वुडन बॉक्स ऑन द बुलेट, और आपको बताना है कि उस बॉक्स ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया। क्वेश्चन समझ में आया, टेल मी। चलो अब जो है हम आगे करते हैं, क्वेश्चन लग गया हमको समझ, अब हम जो है सॉल्व करते हैं, क्या से सॉल्व करेंगे। चलो जो चीज़ें गिवन है लेट्स राइट इट डाउन, गिवन चीज़ों को लिखते चलते हैं सबसे पहले। तो गिवन हमको क्या देखा है, तो गिवन सबसे पहले आपको देखा है मास, ठीक है। पहली बात तो दो चीज़ों की बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और एक हमारा, एक तो बुलेट की बात हो रही है, दूसरा हमारे बॉक्स की बात हो रही है, ओके। तो चलो देखते हैं पहले हमारी मास क्या है, मास विल बी हमारा कितना है 10 ग्राम, अगेन जो आपको मास किस में दे रखा है ग्राम में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 लगा दो नीचे, 1 से 10 कट गई तो 2 जीरो रह जाएंगी, तो 0.00 कितना आ जाएगा आपके पास, 0.01 kg, ओके। अब देखो आगे, अब ये क्या आ गया हमारे पास मास, अब देखो आगे क्या करना है आपको, सीधा जाना है यू पे, लेट सी यू क्या है हमारा, यू क्या दे रखा है, ये देखिए आपकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, देन आपको दे रखा है किस पे आ गया, रेस्ट पे, मतलब कि जीरो हो जाएगी बुलेट की, और आपको टाइम दे रखा है कितना दे रखा है, कितने टाइम पे बाहर जाके रुकी, 0.03 सेकेंड्स, देन आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस एंड फोर्स क्या करना है हमको फाइंड आउट। चलो फोर्स निकालने के लिए हमको सिंपल सा फॉर्मूला पता है क्या है, फोर्स का एफ इक्वल्स टू एम, और डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको पिछले जब हमने पार्ट वन भी करा था वीडियो का, तब भी मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है जब भी हमको डिस्टेंस निकालना है, तो देखो उसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन की मोशन होती हैं, हम उसको यूज़ करके 1 इक्वेशन की मोशन को यूज़ करेंगे, और वहाँ से हम ये अपना डिस्टेंस वाला पॉइंट भी क्लियर कर लेंगे। तो चलो फोर्स तो अब हम निकालने से नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास मास तो है लेकिन हमारे पास ए क्या है नहीं गिवन, तो फोर्स कैसे निकलेगी, हमारे पास एम है, यू है, वी है, टी है, लेकिन ए नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। ए क्या होता है, हमारी एक्सेलेरेशन होती है, तो एक्सेलेरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, आपके पास एक इक्वेशन भी होती है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टाइम, ये होता है ना आपके पास फॉर्मूला एक्सेलेरेशन का, तो जो कि क्या होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे सिंपल सी हमारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वी की कितनी वैल्यू 0, इधर कितना है 150 आपके पास, ओके, प्लस ए कितना है, ए तो हमको निकालना है एक्चुअल में, एंड टाइम, ओके, टाइम कितना दे रखा है आपको 0.3, ओके, कितना दे रखा है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, 0 एंड 150 प्लस ए कितना है आपके पास, निकालना है तो हमको 0.03, ओके। चलो अब यहाँ पे हो गया 0 इस तरफ, तो सिंपल सी कैलकुलेशन को हम कर लेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, तो ये बन गया हमारा -50 इज इक्वल्स टू 0.03 ए, और इसको कर लेंगे हम डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 अपॉन 0.03। देन जब हम इस चीज़ को खोलेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसकी कैलकुलेशन समथिंग हेयर राइट, तो जब हम इस चीज़ को खोलेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 150 माइनस में है, नीचे क्या है 0.03, तो जो आपका 150 ऊपर ऐसे ही रहेगा, और जो पॉइंट्स खुल के इसका 100 आ जाएगा, नीचे वाले दो पॉइंट्स खुलेंगे और नीचे रह गया आपके पास 3, और 3 और 150 जो है आपका कट जाएगा, ठीक है, 50 ये आपका 50 पे टेबल पे चला गया, 50 ऊपर आएगा और इसके दो जीरोस वैसे ही लग जाएंगे, डेट इज़ 5000, एंड माइनस का साइन आपका वैसे ही आएगा,
तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलेरेशन क्या आ गई, -5000। एक्सेलेरेशन के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब एक्सेलेरेशन आ गई हमारे पास, अब हम क्या फोर्स निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो फोर्स मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ ऊपर, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास हमको गिवन है, हमने ये निकाला है 0.1 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन कितनी आई है, -5000। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 बन गया, मल्टीप्लाई बाय -5000, तो दो जीरोस तो कट गई, आपके पास कितना आया -50। फोर्स कितनी आ गई आपके पास, -50 न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, 50 न्यूटन। गॉट इट, समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें निकल आई, हमने क्या निकाल लिया, हमने फोर्स निकाल ली, हमने एक्सेलेरेशन निकाल ली, लेकिन अभी भी जो है हमारा डिस्टेंस बाकी है। अब निकालते हैं डिस्टेंस। चलो, अब डिस्टेंस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगेन याद करो हमारे पास कितनी इक्वेशंस थी मोशन वाली, जो हमने पहला वाला चैप्टर पढ़ा था, मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, वहीं से जो है हमारा डिस्टेंस निकलेगा। तो उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने सेकंड वाली, जो कि सीधा एस वाली की थी, उसमें क्या था आपके पास, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एक हमने पढ़ी थी थर्ड इक्वेशन, जो कि थी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, ये 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। अब हमको क्या निकालना है, एस निकालना है, और हमारे पास देखो सब कुछ ही है, हमारे पास यू भी है, वी भी है, टी भी है, एक्सेलेरेशन भी है, तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, u भी है, v भी है, t भी है, और एक्सेलेरेशन भी है। तो देखो हमको निकालना क्या है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हम ये दोनों, ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 1/2 है, ठीक है। तो थोड़ी सी जो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो हम जो है ये वाली इक्वेशन लगा लेते हैं, ताकि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजी रहे। ओके, तो सिंपल सी हम जो इक्वेशन लगा रहे हैं, ये वाली, ठीक है, 2 आ गया। a की क्या वैल्यू थी, एक्सेलेरेशन की क्या वैल्यू थी, ये निकाली थी मैंने -5000। तो इसको पुट करते चलते हैं, बस 2 -5000 मल्टीप्लाई एस तो हमको निकालना है। वी की कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, वी था हमारा 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना था हमारे पास, 150। ओके, इट इज 150 का स्क्वायर। ओके, चलो अब जस्ट जो है कैलकुलेट करना है आपको। तो जब हम इधर कैलकुलेट करेंगे, 5 × 2 इट इज 10, बाकी की जीरोस वैसे लगा दो, 1, 2, 3, ठीक है। तो -10000 बन गया, एस इज इक्वल्स टू, ये तो 0 का 0 रहेगा, माइनस, अब ये कितना है, 150। जब आप 15 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 255। ओके, पीछे की जो 0 है वैसे लगा दो, 0 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 जीरोस आ जाएंगी। इसी तरह से जो आपको कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करना रहता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, एस की वैल्यू निकालनी है, तो 255000 अपॉन इधर कितनी है, 10000, ठीक है। ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो कट गई, नीचे बची 2 जीरो, तो पॉइंट लगा देंगे हम 2 डिजिट्स के बाद। तो ये निकल आया हमारा डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में। तो ये आ गया हमारा आंसर, डेट इज 2.55 मीटर, राइट। सो ओके, ठीक है, प्लस पे भी यार, ठीक है, प्लस पे भी क्लासेस आएंगी, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, प्लस पे भी क्लासेस मैं लेने वाली हूँ, एंड जो अनअकैडमी के ऐप पे क्लासेस जरूर होंगी। इतने कम बच्चे आते नहीं ना बच्चे पढ़ने में, अब क्या करें, ठीक है। जब 10th वाले आ जाते हैं, 9th वाले कम बच्चे हैं, मैंने भी नोटिस करा है, 9th वाले कम हैं। चलो कोई बात नहीं, अल्पनाश ने तो ठीक है सही आंसर दिया, अल्पनाश ने सही, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, दूसरे लिए इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया ना, यू कैन यूज बोथ द इक्वेशंस। ओके, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 1 kg, ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। वो किस में ट्रैवल कर रहा है, सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहा है, विद ए वेलोसिटी, आपको उसकी वेलोसिटी बता रखी है, कितनी दे रखी है, 10 m/s, कोलाइड्स विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। मतलब कि सेम ही है, थोड़ा सा हमने जो पिछला क्वेश्चन करा है थोड़ा थोड़ा उसके जैसा ही है। चलो समझने की कोशिश करते हैं, हमको क्या कहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 1 kg, वो ट्रैवल कर रहा है सीधी लाइन में, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 m/s। अभी हमको नहीं पता ये हमको u दिया है कि v दिया है, देखेंगे क्या दिया है। कोलाइड करता है किसके साथ, जाके टक्कर मारी उसने, ऑब्जेक्ट ने टक्कर मारी जाके उसने वुडन ब्लॉक के साथ, उसमें जाके ठुक गया, ठीक है, जिसका मास कितना है, 5 kg। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर विद द सेम वेलोसिटी, फिर वो दोनों इकट्ठे एक ही वेलोसिटी से चलेंगे। आपको बताना है
कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो बेसिकली आपको इनिशियल मोमेंटम बताना है, मतलब कि टक्कर होने से पहले क्या मोमेंटम था, और आपको क्या बताना है फाइनल मोमेंटम, ठीक है, कि ये जो किस्सा हुआ उससे पहले क्या मोमेंटम था और उसके बाद क्या मोमेंटम होगा, और आपको क्या बताना है आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और जब इन दोनों ने टक्कर मारी उसके बाद ये किस वेलोसिटी से आगे चलेंगे, आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली वेलोसिटी तो हमको फाइंड आउट करनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या था हमारा यू। ओके, समझ लगी इतनी बात। चलो अब करते हैं अप्रोच, हमको समझ लग गई। तो सिंपल सी बात है, दो चीजें दे रखी है, एक हमको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक हमको वुडन ब्लॉक दिया हुआ है। तो दोनों की जो है हम चीजें लिख लेते हैं, क्या क्या हमको गिवन में दे रखा है। गिवन तो एक हमारा ऑब्जेक्ट है और एक हमारा वुडन ब्लॉक ऑब्जेक्ट, और एक क्या है हमारा ब्लॉक, वुडन वाला ब्लॉक। तो ऑब्जेक्ट का हमको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है मास, कितना दे रखा है 1 kg, ठीक है, ये रहा मास, और आपको उसकी वेलोसिटी बताई हुई है, दैट इज u1 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये पता है ना, ये हम u1 v2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंड में हमको क्या निकालना है, फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का क्या होता है एम यू, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है एम, तो सेम ही रहेगा, इनिशियल में क्या होता है यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल में क्या होता है हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो हमको ये दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास यू वन भी आ गया, देन वी वन क्या होगा, अगेन सेम होगा इक्वल्स टू वी, क्योंकि बाद में वो दोनों सेम हो गए, ऑब्जेक्ट और ब्लॉक एक ही हो जाएंगे, तो वी वन इज इक्वल्स टू वी टू इज इक्वल्स टू वी, दोनों की वैल्यू क्या है वी आ जाएगी। देन इसी तरह से बात करते हैं ब्लॉक की, तो ब्लॉक का ले लेते हैं एम टू, ब्लॉक का मास है 5 kg, देन ब्लॉक की वेलोसिटी हमको बता रखी है, क्या आपको ब्लॉक की वेलोसिटी बताई है, तो ब्लॉक का हमको कुछ भी नहीं बताया दे, ओके स्टेशनरी बताया है कि ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी मतलब कि रेस्ट पे है, तो जीरो उसकी वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग में, देन आपको बताना है वी। ओके चलो अब हम बताते हैं इसका जो है मोमेंटम का क्या सीन रहेगा। तो चलो ये कहाँ करते हैं, आगे चलते हैं हम, तो मोमेंटम का आपको बताना है, तो मोमेंटम बिफोर, अगर आप लोग निकाल लोगे तो मुझे आंसर कर देना, बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले क्या मोमेंटम रहेगा, दैट विल बी योर एम, कोलिजन से पहले क्या मोमेंटम रहेगा, फॉर्मूला क्या था एम यू, ठीक है, तो यही होता ना हमारा फॉर्मूला, तो एम यू में पुट कर दो, एम यू वन प्लस एम वन यू वन एम टू यू टू, दोनों का हमको बताना है पहले का क्या मोमेंटम का सीन है। तो एम वन कितना था हमारे पास 1 kg, यू वन कितना था 10, ओके तो ये आ गया 1 और ये आ गया आपके पास 10, प्लस एम टू कितना है, एम टू कितना है 5 kg और ये है 0, ओके तो ये आ गया आपके पास 5 और ये आ गया आपके पास 0। कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, ये तो 0 बन गया आपकी पूरी टर्म, और ये क्या बचा 10, तो कितना बचा 10 kg, ओके तो ये हमारे पास क्या आ गया बिफोर, ठीक है, बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम आ गया। अब हमको निकालना है फाइनल कोलिजन वाला, ठीक है, दैट इज आफ्टर कोलिजन क्या मोमेंटम रहेगा, वो चीज़ बतानी है, और आफ्टर कोलिजन वाला फॉर्मूला क्या होता है एम वी, मतलब कि एम टू वी टू सॉरी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ओके अगेन एम वन कितना है, अगेन 1 ही था, एंड वी की वैल्यू हमने दोनों में क्या रखी है, वी एंड वी सेम रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वी प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय वी, तो क्या होगा 1v प्लस 5v विल बी 6v, ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट 1 कि आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या था और बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था। अब आपसे क्या पूछा गया है, आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो आपका जो ऑब्जेक्ट कंबाइंड वेलोसिटी से जो चल रहा है आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा हम क्या लगा सकते हैं, हमारे पास 6v आ गया, तो बेसिकली हमने ये दो चीज़ें निकाली है ना, हमने एक ये चीज़ निकाली है, एक ये स्टेटमेंट निकाली और ये एक स्टेटमेंट निकाली है, तो बेसिकली पूरी स्टेटमेंट क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही फॉर्मूला है ना, पहले हमने बस उसको अलग अलग करके लिख दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ये क्या होता है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 है, इधर 10 लिख देते हैं, और इसकी हमने क्या निकाली है वैल्यू, इस पूरे चीज़ की क्या निकाली है 6v इज इक्वल्स टू 6v कर दो, ये आ गया 10 और 6 गया इसके नीचे, v रहा ये आपके सामने, तो ये चीज़ आपके पास क्या बनी,
ये चीज आपके पास क्या बनी, टू के टेबल पे काट दो, ये गया थ्री पे, ये गया फाइव पे, ओके। तो ये आ गया आपके पास v इज इक्वल्स टू 5/3, वेलोसिटी निकल आई, ठीक है। हमको वेलोसिटी निकालने को कहा था, जब आप 3 को इसके बाद डिवाइड करोगे तो सीधा 1 पे चला जाएगा, और फिर उसके बाद ये आएगा आपके पास समथिंग 0.6, फिर 666 कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लो इसको 1.6 कुछ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्या आई, 1.67 वेलोसिटी है, किसमें आएगी, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी का आंसर निकल आया। तो ये क्या आई हमारे पास वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी आई है, जस्ट सिंपल वेलोसिटी आई है। अब आपको क्या बताना है कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या रहने वाली है, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करी है ना, जो हमने ये v की वैल्यू फाइंड आउट करी है ना, इस वैल्यू को इसमें जाके पुट कर देंगे 6v में। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 6 आ गया, v की वैल्यू कितनी है, ये रही 5/3, या फिर ये पुट कर लो सीधा 5/3 कर लेते हैं, कटिंग हो जाएगी। तो ये गया आपके पास 3, ये गया 2 के टेबल पे, एंड ये आ गया आपके पास 10, 2, 5 का 10, वेलोसिटी की बात हो रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी, जो कि कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी निकल आई, 10, ठीक है, या फिर हम के जो फाइनल मोमेंटम क्या आया हमारे पास, 10, ओके, समझे इतनी बात। ये जस्ट हमने इसमें वैल्यू पुट करी है 6v की, ताकि हमारे पास जो है आफ्टर कोलिजन वाला वो चीज़ निकल आए। तो ये आफ्टर कोलिजन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, मोमेंटम, क्या बात हो रही है यहाँ पे, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है बताओ, मोमेंटम की यूनिट क्या थी, m इंटू वी, m की क्या होती है, kg मास मीटर पर सेकेंड, तो इसके पीछे क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, गॉट इट। चलो इतनी बात क्लियर हुई, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 16, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, दो क्वेश्चन अभी भी पड़े हैं, काफ़ी लंबा हो गया आज का। लेट मी सी व्हाट आर यू सेइंग गाइस, इतना सन्नाटा क्यों, धीरज सर, आई डोंट नो, राइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 100 kg, ठीक है, इज एक्सेलेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, उसकी वेलोसिटी आपको बता रखी है, और उसकी वेलोसिटी आपको बताई है, चेंज हुई है, पहले कितनी थी 5, फिर चेंज होके 8 होगी, मतलब हमको u और v दोनों दे रखे हैं, 6 सेकेंड टाइम दे रखा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एक्सर्टेड बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, सेम डिटो पिछला क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट्स बदल दी हैं, बाकी सब कुछ सेम है, और आपको एंड में फोर्स फाइंड आउट करना है जितना उस ऑब्जेक्ट ने लगाया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो जो चीजें गिवन है उसको राइट इट डाउन कर लो। गिवन सबसे पहले क्या आपके पास, मास 100 kg, राइट, देन आपको एक्सेलेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेशन यू दे रखा है 5 meter per second, देन आपको v दे रखा है 8 meter per second, देन टाइम दे रखा है आपको 6 second, टाइम कितना दे रखा है 6 second। कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल्स टू u, इसी तरह से फाइनल मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, एम वी। तो आपको ये दो चीज़ें क्या करनी है, फाइंड आउट, ओके। चलो इतनी बात समझ में लगी, और आपको क्या कहा है, एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगी आपको वो भी फाइंड आउट करनी है। तो सब कुछ है हमारे पास, एम है, यू है, वी है, टाइम है, सब कुछ है, ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एम की क्या वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाय U कितना दे रखा है 5, तो 100 इंटू 5 कितना होता है 500। अब मोमेंटम की यूनिट क्या है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी कैसे निकालनी है, kg मीटर पर सेकेंड, अगेन mv, अगेन 100, मास कितना है 100, अब v देखो 8 है, 8 आ गया, कितना आ गया 800 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम की यूनिट्स, ओके इतना पार्ट हो गया। अब बात करते हैं फोर्स, फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, ठीक है। अब a तो है नहीं, a तो हमको दिया नहीं हुआ, तो a का हम क्या कर सकते हैं, a को हम कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, एक्सेलेशन का फॉर्मूला याद है ना, तो बस यही पुट कर देंगे यहाँ पे, मास को मास पुट कर दो 100,
और ये जो फॉर्मूला है डेट इज v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आएगी, यहाँ पे निकाल लेते हैं ऊपर करके समवेयर हेयर, ओके चलो फोर्स क्या आएगा इज इक्वल्स टू 100 अपॉन v की क्या वैल्यू है, u की क्या वैल्यू है, v आपको दे रखा है 8 माइनस 5 अपॉन टाइम की क्या वैल्यू दी रखी है आपको 6, ओके 6, तो ये आपके पास क्या आया 100, 100 का 100 रहेगा, ऊपर क्या आएगा 8 माइनस 5 कितना होता है 3 अपॉन 6, तो ये कितना गया 1/2, ओके नीचे क्या ऊपर आ गया 1 नीचे गया 2 कटिंग होगी, तो 100 अपॉन 2 कितना होता है, इसकी कटिंग कर दो, ये कितना पे गया 2 इट इज 50, ओके 10 50 न्यूटन आ गया आपके पास फोर्स, गॉट इट, फोर्स का आंसर हमारे पास निकल आया 50 न्यूटन, ओके समझ आ गई इतनी बात क्लियर। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो टाइम्स अप हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अख्तर किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन ए मोटर कार, ठीक है तीन लोग थे मोटर कार में जा रहे थे और मूव कर रहे थे एकदम हाई वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे थे एक्सप्रे मतलब हाईवे पे जा रहे थे, व्हेन दे और तभी क्या हुआ एक इंसेक्ट आके उनकी शीट उनका जो आगे वाला विंड शीट है ठीक है ग्लास पे आके स्ट्राइक कर गया और गॉट स्ट्रक ऑन विंड शीट, ठीक है अख्तर एंड किरण स्टार्ट पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, ठीक है किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेट, तो यहाँ पे किरण ने एक सजेशन दी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम ऑब्जेक्ट सफर अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू चेंज इन द मोमेंटम ऑफ मोटर कार, तो बेसिकली किरण ने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम चेंज हो गया, ऑब्वियसली पहले ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड से आ रहा था तेजी से आ रहा था अब एकदम से टकराया तो उसका कुछ मोमेंटम तो चेंज हुआ ही होगा बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है वही बात आपको बताई है। देन अख्तर सेड द सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विद द लार्जर वेलोसिटी, जो मोटर कार है वो बहुत ज़्यादा तेज वेलोसिटी से चल रही थी, इट एग्जर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, इसलिए मोटर कार ने क्या करा उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई इंसेक्ट पे, जो कि सही बात है ठीक है मोटर कार तेज चल रही थी उसने उस पर वेलोसिटी जोर से धक्का लगा दिया फोर्स लगा दी। अगला क्या है, अगला आपको दे रखा है एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, जिसकी वजह से जो है इंसेक्ट मर गया, राहुल वाइल पुटिंग एक्सटर्नली एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट बोथ, राहुल ने क्या कहा बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, दोनों को क्या लगी है सेम फोर्स लगी है एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम, इसलिए उन दोनों का जो है मोमेंटम चेंज हो गया, जो कि राहुल ने भी सही कहा है क्योंकि जब दो चीज़ें बेसिकली क्या है दो चीज़ें आ रही हैं दोनों यानी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, जब वो दोनों स्ट्राइक करेंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है मोमेंटम में चेंज आया है। कमेंट ऑन दी सिचुएशन, तो बेसिकली आपको सिचुएशन पे कमेंट करना है और बताना है कि किसने जो रीज़न है सही दिया है, क्या हमारी जो पहली कैंडिडेट थी किरण ने क्या सही आंसर दिया है या फिर जो हमारे क्या किरण ने सही आंसर दिया या फिर अख्तर ने सही आंसर दिया है या फिर राहुल ने सही आंसर दिया है कि जो इंसेक्ट है वो कैसे आ रहा था, तो किरण ने कहा है कि जो है उसकी वेलोसिटी मोमेंटम में चेंज आया जो कि सही है बट उसने कुछ एक्यूरेट रीज़न नहीं दिया, राइट। अख्तर ने कहा है कि जो मोटर कार थी वो तेज़ी से आ रही थी उसकी वेलोसिटी तेज थी इसलिए वो इंसेक्ट से टकरा गई जो कि सही है, अगेन आपको कुछ पूरा समझ नहीं आ रहा कि क्या उसने कुछ बताया है उसने, क्योंकि इंसेक्ट के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला, दो चीज़ें हैं। देन हमारे पास क्या आया राहुल, राहुल जी ने कहा है कि जो मोटर कार थी और जो इंसेक्ट थी दोनों को फोर्स लगी है, हाँ जी दोनों को फोर्स लगी क्योंकि जब दोनों चीज़ें आके टकराएंगी तो फोर्स को दोनों को लगी है ना और दोनों को सेम फोर्स लगी है, ऑब्वियसली दोनों को सेम फोर्स लगी है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ हमने पढ़ा है एक्वल कि जब कोई भी दो चीज़ें आती हैं तो उनका इक्वल एक्शन और रिएक्शन होता है इक्वल फोर्स लगती है और चेंज इन देयर मोमेंटम, ऑब्वियसली न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि जब दोनों चीज़ें आके टकराती हैं तो उनका मोमेंटम भी चेंज हो जाता है, तो बताओ किसने सही कहा, तो देखो राहुल जी ने सही कहा क्योंकि उसने सारी चीज़ों को कवर करा है, उसने इंसेक्ट का भी बताया है उसने हमारे मोटर बाइक का भी बताया है उसने रीज़न भी सही दिया है, गॉट इट। तो जो राहुल की स्टेटमेंट है वही सही है, यहाँ पे टेक्निकल पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, राहुल गेव द करेक्ट आंसर रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन टू बोथ द मोटर कार एंड इंसेक्ट, उसने दोनों चीज़ों के लिए सही आंसर दिया है, राइट एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही कहता है, ठीक है। अब जो दोनों बॉडीज हैं उनका मतलब बेसिकली उसने जस्टिफाई करा है साथ में उसने डेफिनेशन दे दी है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन बोथ द बॉडीज बट बिकॉज द मास ऑफ इंसेक्ट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जो इंसेक्ट का मास था वो छोटा था इसलिए उसको जो है ज़्यादा जोर से फोर्स लगी और वो मर गया। अब देखो जो मोटर कार है जो कार है वो तो कितनी बड़ी है ना लार्ज है तो उसका जो मास क्या होगा वो भी बिग होगा, लेकिन जो इंसेक्ट है जो कि पिद्दू सा है टाइनी सा है
उसका मास्क है वो भी बहुत छोटा सा होगा, और कोई इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी वाली चीज से जाके टकराएगी, फोर्स दोनों पे लगी, लेकिन इसका मास ज्यादा था तो इसने जो वेलोसिटी सफर कर ली, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट था ये उतनी फोर्स और वेलोसिटी सफर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या हो गया हमारा, डाई। ओके गॉट इट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ, राइट लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं जो है आपके डाउट्स देख लूंगी, आपकी चैट देखूंगी, आप लोग क्या कह रहे हो। ओके क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg सफर्स टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 80 cm। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, एक क्या मोमेंटम होगा, बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करने को कहा गया है, मोमेंटम आपको फाइंड आउट करने को कहा गया इसका, डंबल का, जो डंबल क्या बताया है 10 kg का है, जब वो ऊपर से कहाँ गिरेगा, फॉल्स ऑफ फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 cm, और आपको क्या दी है, टेक एक्सेलेरेशन बता रखी है कितनी, 10 m/s। तो यहाँ पे पहले सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, सिचुएशन यहाँ पे क्या बन रही है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे हमारे पास मान लो कुछ डंबल्स पड़ रखे हैं, ठीक है, डंबल है जिम वाले डंबल होते हैं ना, उसका मास हमको दे रखा है 10 kg, 10 kg का एक डंबल है जो कि ऐसे ऊपर से जाके उसने कहा नीचे गिरेगा, कितनी हाइट दे रखी है हमको, हाइट दे रखी है 80 cm। ओके हाइट आपको दे रखी है 80 cm, और आपको बताना है जब वो फ्लोर पर जाके हिट करेगा तो आपको V की वैल्यू बतानी है कि V कितना होगा, ठीक है। बेसिकली आपको क्या निकालना है, आपको मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m into v, तो हमको V निकालना पड़ेगा, समझ लगी इतनी बात, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, गिवन देखते चलते हैं क्या क्या चीजें हमको गिवन दे रखी है। तो गिवन में दे रखा है सबसे पहले हमको मास कितना दे रखा है 10 kg, ओके, देन हमको क्या दे रखा है, हाइट बता रखी है, हाइट कितनी है 80 cm। अब ये हाइट क्या है, बेसिकली ये हाइट क्या है, एक तरह से डिस्टेंस ही ना, जो ऊपर से नीचे गिरने में उसने कवर करा, तो आप इसको डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, कुछ भी है सेम ही है। अब ये क्या है हमको दे रखी है सेंटीमीटर में, हमको किसमें चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट जो क्या क्या है हमारी मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो जब डिवाइड करेंगे एक यूनिट कट जाएगी तो 0.8 meter बन जाएगा। अब हाई ये आ गया, वो आ गया, ये भी आ गया, और क्या रह गया, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कितना देखिए 10 m/s². चलो अब निकालते हैं हमको क्या निकालना है, वी, और हमको ये तो बताया ही नहीं कि भाई यू कितना है, यू का तो कुछ उन्होंने पॉइंट एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं। ओके यू कितना होगा टेल मी, अगर डंबल हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, डंबल अगर हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो स्टार्टिंग में पहले डंबल मेरे हाथ में ही होगा ना, या किसी और के हाथ में होगा जो डंबल ऊपर से नीचे फेंकेगा, तो स्टार्टिंग में हम क्या कह सकते हैं, जो यू क्या है वो हमारा जीरो पे हुआ, रेस्ट सिचुएशन में था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यू क्या आ गया हमारा जीरो। ओके सो आई कैन सी कुछ आप कॉमेंट्स कर रहे हैं, ओके आई विल सी योर कॉमेंट्स, ठीक है। अभिजीत ने बताई है हाँ यही लगेगी हमारी, यही जो हमारी क्या है इक्वेशन लगेगी। ओके तो चलो हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है पहले वेलोसिटी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है एम वी, तो एम वी निकालने के लिए पहले हमको वी निकालना होगा। वी कैसे निकालेंगे, वी निकालने के लिए अगेन हमारे पास तीन मोशन की इक्वेशंस होती है ना, उनको यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमको एच है जिसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, हमारे पास एस दे रखा है, हमारे पास ए दे रखा है, हमारे पास वी दे रखा है, लेकिन हमारे पास यू, हमारे पास v नहीं है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो तीन इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 2as इज इक्वल्स टू v माइनस v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, हमारे पास जो है t नहीं है, पहली इक्वेशन तो वैसे भी नहीं आएगी क्योंकि उसमें हमारे पास ना v है ना u है। सेकेंड इक्वेशन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो थर्ड वाली इक्वेशन लगा लेते हैं, क्या है आपकी थर्ड वाली इक्वेशन, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्यों लगा रहे, क्योंकि हमको v फाइंड आउट करना है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, 2 आ गया, a की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। s कितना दे रखा है आपको 0.8 इज इक्वल्स टू v आपको निकालना है v स्क्वायर माइनस u कितना दिया है 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको सिंपल से कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन क्या है आपके पास, 2 × 10/8/10 कर लो, ठीक है, पॉइंट खुल जाएगा, 10 से 10 कट गया, तो ये क्या आ गया v स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या बनेगी आपके पास, ये चीज़ आपके पास क्या आ गई,
टू मल्टीप्लाई बाई एट इज इक्वल्स टू वी का स्क्वायर, 2 8 का कितना होता है 16, वी का स्क्वायर, एंड ये आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, दैट इज 16 का स्क्वायर, और हमको पता है 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 16, तो क्या आंसर आ जाएगा 16 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी कितना आ गया हमारे पास, वी इज इक्वल्स टू 4, ओके वी क्या आ गया हमारे पास 4। अब ये क्या है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये हमारी क्या है वेलोसिटी, ओके चलो अब हमको क्या निकालना था, ये हमारा v आ गया, हमको निकालना एक्चुअल में क्या था, क्या निकालना था भाई, ये मोमेंटम निकालना था, ये रहा हमारा मोमेंटम, ऊपर दे रखा है हमको मोमेंटम निकालना था। v अब हमारे पास आ चुका है, v कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, तो मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे जो है मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम का क्या सीन था, मोमेंटम का फॉर्मूला था एम वी, राइट, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, m कितना है हमारे पास 10 kg, राइट, v अभी हमने निकाला कितना निकाला 4 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू 4 कितना आ गया 40, मोमेंटम की यूनिट क्या है kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास हमारा मोमेंटम, जिसकी सिंबल क्या होता है p, ओके गॉट इट, समझ लग गई सारी बातें, समझ लग गया इतना। चलो यहाँ पे जो है हमारा ख़त्म होता है, अब मैं जो है आपके देख लेती हूँ, आपको कोई डाउट है कुछ भी आपको पूछना है तो जो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तब तक जो है मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ, अपने कमेंट्स कर देना जो भी अगर कोई डाउट है, नहीं तो फिर हम जो क्लास को टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। चलो व्हाट्स न्यू ऑन एन अकेडमी, कुछ बातें जो आपको बतानी है, जैसे कि आप जो है बहुत सारे डाउट्स पूछ सकते हो, आक्स अनलिमिटेड डाउट्स, हाई क्वालिटी आपको सोल्यूशन मिलते हैं, इंग्लिश हिंदी जिस मर्जी लैंग्वेज में पूछिए एक्यूरेट सोल्यूशन मिलते हैं। डाउट पूछना कैसे, अन अकेडमी की प्रोफाइल बना लीजिए, वहाँ पे आपको आक्स डाउट का ऑप्शन दिखता है, पिक्चर को क्लिक कर लो, गैलरी से उठा लो, और पिक्चर जब अपलोड करोगे उसके बाद आपको उसको क्रॉप करना है जो क्वेश्चन पूछना है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो और क्वेश्चन डाल दो और वेट करो। क्वेश्चन पूछना कैसे, एक बार में एक क्वेश्चन पूछना है, MCQ के प्रॉपर सब पार्ट डालने हैं, प्रिंटेड कॉपी की भी फ़ोटो ले सकते हो, और अन अकेडमी ऐप पर जाके पूछना है, और अलग अलग क्वेश्चन पूछने हैं, एक बार में एक ही पूछना है, मल्टीपल पिक्चर्स नहीं डालनी, एक बार में एक क्वेश्चन, हैंड रिटन क्वेश्चन डालोगे तो दिखेगा नहीं, ब्लर इमेजेस नहीं, आपको आंसर नहीं मिलेगा। देन प्लस कोर्सेज के बारे में आपको बता देती हूँ, एक हमारे पास होता है प्लस कोर्स, ठीक है, अन अकेडमी पे, जहाँ पे अगर आप उसको ले सकते हैं, अगर आपको लाइव लर्निंग करनी है घर से बैठे बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है आपको, बाकी कोर्सेज पे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट कराया जाता है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, ये सब आपको मिलता है, जहाँ पे जो चल रही है हमारी 10% ऑफ, ठीक है, तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप ये रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन आइकॉनिक पे भी सेम है, आइकॉनिक में आपको एक फ़ायदा मिल जाता है कि आपको जो है पर्सनल मेंटोर मिल जाते हैं, जिनसे आप 1-on-1 कभी भी बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, प्रॉपर डाउट सॉल्व करे जाते हैं, वीकली रिपोर्ट, आपने कैसे स्टडी परफॉर्म करा, क्विज में आपने कैसा परफॉर्म करा, कैसे टेस्ट दिए, आपकी क्या प्रोग्रेस है, आपके पेरेंट्स से बात करी जाती है, ये सब आपको आइकॉनिक में मिल जाता है, जो कि प्रॉपर पैक है। यहाँ पे भी आपको 10% ऑफ मिल रहा है अगर आप ये जो है कोड यूज़ करते हैं, अगर आप कोड नहीं यूज़ करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं प्लस का अन अकेडमी का, और आप एक बार में फ़ीस नहीं दे सकते, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पे इन पार्ट्स एंड ज़ीरो कॉस्ट EMI, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हर संडे अन अकेडमी पे एक कॉम्बैट होता है, जहाँ पर आपको चांस मिलता है स्कॉलरशिप 1 crore तक की स्कॉलरशिप में से अपने लिए कुछ जीतने के लिए, ठीक है। टेस्ट होता है 45 minutes का, 30 questions होते हैं जो कि आप दे सकते हैं, और दिस इज़ ऑल अबाउट अन अकेडमी, जहाँ पे आपको अभी मिल रहा है 10% ऑफ ऑन बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शंस, एंड दिस इज़ माय कोड, ओके। चलो अब देखते हैं आपके क्या क्या आ रहे हैं डाउट्स, लेट मी सी, ओके। प्रूव करेगा इक्वेशन, आई थिंक आप ये दूसरा वाला कह रहे हो, ओके। आई एम क्लास 9th एंड आई हैव डाउट दैट जब हमें टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, विच मीन्स दैट फर्स्ट 2 chapters करने, एंड टर्म 2 के लिए मिड टर्म के लिए चैप्टर चाहिए, राइट। अल्पना से जब हम टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करेंगे, बेसिकली आपको तो यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस करवाया जाएगा, क्योंकि हर स्कूल का अपना अपना मेथड होता है, कुछ लोग पीछे से करवाते हैं चैप्टर, कुछ लोग आगे से करवाते हैं, हाँ, बट टर्म 1 में आपके स्कूल वाले डिसाइड करेंगे। बेसिकली जो है फिजिक्स के पहले 2 chapters ही रहते हैं, ज़्यादातर पहले 2 chapters में से ही आता है, ओके। प्रूव करेगा इक्वेशन, हाँ, आई थिंक सिद्धू मिश्रा जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तब आपने वही लिखा है क्वेश्चन के लिए, जो कि
इक्वेशन प्रूफ करेंगे, मतलब आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर, मैम कैमरा दिला दो मुझे। ओहो स्वाति, व्हाट आर यू सेइंग बेटा, कैमरा दिला दो मेरी बहन स्वाति, कैमरा दिला दो ना। तो देखो, अगर आपको YouTube चैनल शुरू करना है ना अपना, तो सबसे बेस्ट जो अभी आपके पास है वो आपका मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल ही सबसे बेस्ट होता है, मोबाइल में कैमरा है ना, तो बस उससे वीडियो शूट कर लो। चलो आई थिंक आपके पास कोई भी डाउट वगैरह नहीं है, अगर होता तो पूछ लेते। अब जो मैं क्लास को ओवर करती हूँ, ओके। अगर किसी को भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना है या कुछ भी शुरू करना है, गेमिंग शुरू करनी है, सबसे बेस्ट होता है आपका मोबाइल, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई भी कैमरा नहीं लेता। जब मैंने खुद का अपना चैनल शुरू करा था, मैंने अपने मोबाइल से ही बनानी शुरू करी थी वीडियो, ठीक है। आज भी मैं अपनी वीडियोस मोबाइल से ही बनाती हूँ, ओके। मोबाइल सबसे ज़्यादा हैंडी रहता है, ओके। एनी हाउ चलो, सही कहा, ठीक है। फिर भी चलो खुद मेहनत करो, ओके। चलो कोई एनी अदर डाउट, नो डाउट। मैम मोमेंटम ट्रांसफर बाय डंबल टू द फ्लोर इस पर भी तो डिपेंड करेगा कि डंबल बाउंस होकर गिरती है या जंप करके, राइट। बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है, बट हमको जो है ना, क्वेश्चन जब भी हमको करने होते थे, हमको सिंपल इस पे फोकस करना होता है कि हमको क्वेश्चन में क्या चीज़ें दी जाती हैं। वो चीज़ हाँ ठीक है, अगर वो बाउंस करके गिरता तो फिर तो हम ये भी कह सकते थे, क्या पता वो गिरने के बाद आगे मूव कर जाए, क्योंकि डंबल है ना, फिर गोल गोल करके आगे भी मूव कर सकता है। बट हमको जो है टू द पॉइंट चीज़ें देनी है, ठीक है। अगर हमें कुछ बताया होता तो हम उसको भी ले लेते, राइट। चलो चलो जी, ठीक है, कुछ और नहीं पूछना डाउट। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं, अगली क्लास जाके लगाइए। टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, अगला चैप्टर शुरू करेंगे ग्रेविटेशन वाला, नहीं तो फिर मेंटी क्विजेस करेंगे। पहले मेंटी कर लेंगे फिर ग्रेविटेशन पे आएंगे, क्योंकि क्विज जो है अभी आपके पहले दो चैप्टर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। चलो जी ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, राइट।